तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज संडे की स्पेशल क्लास में, जो है सीटेट का प्रीवियस पेपर। लेकिन कौन से साल का पेपर है, क्या है, तो 2 मिनट रुकिए, मैं आपको साल भी डिक्लेयर करता हूँ कि कौन से साल का पेपर हम आज करने वाले हैं। उससे पहले, हाँ बिल्कुल, एक बार मैं अपने कमेंट देखने के लिए, आपके कमेंट देखने के लिए अपने फोन में वीडियो ऑन कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बता दीजिए अपने सभी दोस्तों को क्लास स्टार्ट, आज संडे स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गला थोड़ा सा भारी हो रहा है लग रहा है मुझे। चलो, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर, जो है अनअकैडमी, यानी कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा, एक पार्ट आपको मिलता है मुझे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। आप फॉलो करते हुए चलिए, क्योंकि जब भी मेरी क्लासेस होगी, अच्छा ये चीज ध्यान रख लेना, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें यूपी टेट के पेपर को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो हम सी टेट सॉल्व कर ही रहे हैं, एप्लीकेशन पर यूपी टेट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर, आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है, और भी बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए जानने की ललक बहुत जरूरी है, और पूरे सेशन को और अनअकैडमी में क्या करते हुए फॉलो करते हुए क्लासेस कंप्लीट करते हुए चलना बहुत जरूरी हमें मिल जाता है। चलो, तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्या हो रहा है। तो आप कुछ नए कोर्स सिलेबस देख सकते हैं, और फिर जो आप अगर नए हमारे साथ जो लोग हमारी वीडियो देखेंगे उनको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल पहले से ही टाइम के साथ फिक्स मिलता है, और आप बहुत सारी भाषाओं में चीजें जान और समझ सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी भाषाओं का क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ना केवल हिंदी इंग्लिश बल्कि और बहुत सारी लैंग्वेज में चीजों को कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है कि अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप कभी भी कहीं से भी चीजें क्या करते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, सुनाई दे रही है डेट, तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आज ही ले लीजिए। रीजन क्या है आज लेने का, रीजन ये कि भाई आप सबसे पहले तो ध्यान रखने ना, छूट की बात कर लेते हैं, अपने सर का कोड मेरा महेंद्र नाम का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद ये इतने रुपए में पड़ जाएगा, यानी कि 6,480 रुपए। 2 साल वाला क्यों बोल रहा हूं मैं, भाई आप खुद देख लो, 1 महीने और 12 महीने से बहुत रीजनेबल प्राइस में 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन आप यहाँ क्या करोगे, सर सीटेट तो कंप्लीट हो जाएगा, तो सीटेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सीटेट के बाद सुपर टेट आने वाला है, तो वो भी कवर करवाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा टेट अगर भरना है, राजस्थान भरना है, एमपी है, महाराष्ट्र, तो जितने टेट एग्जाम है सब यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। ठीक, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस, 10 रुपीज पर डे, भाई आप अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम इतना खर्च कर सकते हो, और ये तो इससे भी कम है, क्योंकि ये 270 पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा। चलो, अब प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा जब आप एडुकेटर से बात करोगे, यानी कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैं बोला अरे देख नहीं पाया, मैं तो सामने देख रहा था, नीचे वीडियो नहीं देख पाया। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, आप एडुकेटर से बात कर सकते, टाइम दे दिया जाएगा आपको कि चलो ठीक है, हमारा 1 घंटे का टाइम है, लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 20 मिनट हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे, क्या आपके डाउट है उन्हें क्लियर करेंगे। ये एक पॉइंट हो गया, ये क्लासरूम के अंदर अलग से डाउट क्लियरेंस सेक्शन अलग बनाया जाता है, मतलब पूरे हफ्ते में एक दिन हमने संडे को तय कर लिया, या फिर हमने फ्राइडे को तय कर लिया कि फ्राइडे को 4 बजे हम क्या करेंगे, डाउट पर बात करेंगे, जिसके जितने डाउट है जो आज तक करा दिया गया वो पूछ लेना, तो वो डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। आप लाइव पोल क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उनके बाद अपनी रिपोर्ट एनालाइज, मतलब कितने क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन सही, क्यों गलत हो गए हैं, ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है, उनकी बात आप कर सकते हो, और वीडियो के साथ साथ पीडीएफ डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी बेहतरीन वाला आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो, तो हमारे साथ कौन कौन दोस्त जुड़े हुए हैं, सिनी, सोनल, सोनल तबियत ठीक है आप, उम्मीद करता हूँ, मैंने कमेंट देखा बस बोल नहीं पाया था। ठीक है, और इसके अलावा अंजलि, दीपेश, दीपक,
गदाधर साहू, गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। ठीक, रिंकी यादव भी आ चुके हैं, अजीज ठाकुर भी पहुंच चुके हैं भाई, सभी लोगों को क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। और सेशन को क्या करना है, फटाफट लाइक और शेयर करते हुए चल लेना है, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर करते हुए चलना है। चलो तो अब देखो, समझदारी वाली बात करते हैं, हम समझदारी की बात करते हैं। समझदार व्यक्ति वो होता है जो खुद गलती नहीं करता, जो दूसरों की गलती से सीखता है। तो हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। मैंने बोला कि आप यहाँ पर क्या करोगे, टेस्ट देने की बात करोगे, आप यहाँ पर क्विजिस की बात करोगे, आपको यहाँ एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका, रीजन कि भैया हमें पता है यार हमने कहाँ गलतियां करी, ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि किसी ने हमें सही मार्गदर्शन नहीं किया, वरना आज कुछ और होते। ठीक, तो ये जो दुर्भाग्य वाली बात है, ये आपके साथ ना हो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे बच्चे हैं, कि भाई जो गलतियां मैं कर चुका हूँ वो कम से कम ना करूंगा। ठीक है, और मुझे बहुत दुख होता है जब आप वही गलती रिपीट करते हो। मैं बोलता हूँ यार प्रैक्टिस करो, आप नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ आसान क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आप नहीं कर पाते हो। काफी दुख होता है मुझे, लेकिन बस वही है कि जब तक आप खुद ठोकर ना खा लो नहीं समझते। लेकिन आज मुझे लेक कोटेशन मिले, कोट मिला, तो मैंने कहा चलो आपको बताते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना, दूसरों से सीखोगे तो जल्दी सफलता पाओगे, और अगर खुद सीख करके ठोकर खा के सीखोगे तो सफलता दूर होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना यहाँ पर। रुपेश राठौर, नमस्कार राठौर साहब। आप फिर बोलोगे कि सर जी हमें तो देखा ही नहीं। चलो जी राठौर जी, चलो क्लियर। हाँ, कौन से ईयर का पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो आज हम सॉल्व करवाएंगे 2000, अरे भाई पेपर तो आया ही नहीं है, चलो आ गया है 2016 का, मतलब 2016 के सितंबर का पेपर और 2016 फरवरी का पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी बात, 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो एक बार में 60 क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं डिस्कशन के लिए, आप देख ही रहे हो, गले की तो हालत मेरी बची रखी है पैंट वाली। ओके चलो तो स्टार्ट करें क्लास, तैयार हो सब लोग, तैयार हो, मैं भी पानी वानी पी लूं थोड़ा, गला ठीक करूं। ठीक है, चलो 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 चलो, बिल्कुल शुरू करते हैं, काफी खुशनुमा में माहौल के साथ शुरू करते हैं। और हमारी पहली क्लास, आज की पहली क्लास स्टार्ट है, ये है पहला प्रश्न। अब देखो, सीटेट के पेपर को करवा रहा हूं, और आपको पता है पेपर टू, इससे पहले मैं 2015 का पेपर कल करवा चुका हूं, 2015 के दो पेपर मैं करवा चुका हूं, आज 2016 के दो पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर हफ्ते एक एक पेपर, मतलब एक एक साल के जितने पेपर हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, तो आने वाले 3 या 4 सैटरडे संडे के अंदर आपके सारे पुराने पेपर कवर हो जाएंगे। ठीक, चलो, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है और वो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, भाई बाकी भी होती है अच्छी। बाघ कितने गुना देख सकता है, बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है इंसानों से, वो भी अंधेरे में, वो भी कहां पर, अंधेरे में। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, चील, गरुड़, गिद्ध, चील, गरुड़, गिद्ध, ईगल, इसको फाल्कन कर लेना, ईगल, वल्चर एंड फाल्कन। ठीक है, ईगल, वल्चर एंड फाल्कन, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ऊपर उड़ते हुए रहते हैं। और आप अगर थोड़ा सा, मतलब हाइट देखो, इन पर रिसर्च करो, तो आप देखोगे वो बादलों के ऊपर उड़ते हैं बहुत बार। ठीक है, बादल कितने ऊंचाई पर होते हैं, बादल जो सबसे निचले बादल होते हैं वो हमसे लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई, सॉरी 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। और ये चील, गरुड़, बाज क्या होते हैं, 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला अब हम देखेंगे, इंग्लिश में है, पढ़ो, फिर हमें हिंदी में करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर करता है तो बहुत छोटा फॉन्ट हो जाता है और आपको नहीं दिखाई दे पाता फिर। तो पहले इंग्लिश वाले पढ़ो, फिर हिंदी में बात करेंगे हम।
ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लिया आपने, हिंदी में देखेंगे एक बार इंग्लिश में कहीं, क्योंकि गूगल बाबा ने ट्रांसलेट किया है, कहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा हिंदी में देख करके उसको बैलेंस करेंगे। अली अहमद गुड मॉर्निंग, अली अहमद गुड मॉर्निंग, नीलू गुड मॉर्निंग, फिर बोलोगे नहीं देगा सर जी, अविनाश भाई बहुत बढ़िया, चलो हिंदी में देख लेते हैं। ओके हिंदी में, सोनल हिंदी में आ चुका है। रिद्धि श्री जी कहाँ चली गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा नाम मिलता है मुझे रिद्धि, ठीक है रिद्धि श्री या रिद्धि सिद्धि अगर बोल ले हम। चलो जी तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बोला, फसल काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, इस भूमि में ये कर लो खतपतवार जो भी होते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि उनको क्या करा जाता है, काट कर जला दिया जाता है, ठीक है, और हल्का सा उसको जोता जाता है, और भूमि को जोता नहीं जाता, हल्का सा उसको खुरचा जाता है और फिर बीज छिड़क देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। झूम खेती भारत में कौन से राज्यों में होती है, ये राज्य अगर बोले से तो कौन से राज्यों में झूम खेती होती है भाई, बताओ जल्दी से। देखा अविनाश, यही है, अगर किसी से हम प्यार से बात करें तो कट्टे वट्टे सब छूट जाते हैं। पहले तक मैं नीलू के कमेंट देख नहीं रहा था तो वो कट्टा लेकर क्लास में आ जाती थी, अब मैंने देख लिया, मैंने बोला नीलू जी गुड मॉर्निंग, नीलू खुश, ठीक है। चलो अगला राज्य कौन सा है, राज्य है असम वाला, या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य मिलते हैं ये, ठीक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, असम है, मेघालय है, आपके एनसीईआरटी में मेघालय दिया हुआ है, असम मिल जाए तब भी ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, जयसवाल जी रीड बेरोजगार। सबका यही हाल हो रहा है भाई। तृप्ति जी गुड मॉर्निंग तृप्ति, हाँ सोनल बिल्कुल पढ़ो, क्या है कोई सपेरा बीन बजाता है टो नो 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 नो, तो बीन बजाने के बाद सांप उसका अपना सर हिलाता रहता है यूं यूं करते हुए, तो वो क्यों सर हिला रहा है, वाद्य यंत्र की गति को देख करके वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करता है, या सूंघता है भाई बदबू आ रही है धोखेला बीन को, या उसके आवाज सुन के मस्त आवाज नागिन डांस करता है हमारा कौन, सांप भी, किंग कोबरा अक्सर पकड़े हुए रहते हैं वो सपेरे, अब तो खैर कम हो गया काफी, तो मुझे याद है बचपन में जब हम चौथी पांचवी क्लास में थे तो कभी कभी सपेरों का खेल दिखाने वाला आ जाया करता था, तो वो किंग कोबरा पकड़ के रखता था, तो वो क्या कर रहा है, बिल्कुल वो वाइब्रेशन फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है वो वाइब्रेशन। और एक चीज और ध्यान से देना, सपेरा अपनी बीन तो बजाता ही है लेकिन पाँव भी जमीन पे यूं यूं करके फटकता रहता है, जिससे कि सांप को कंपन लगातार और अच्छे से महसूस हो और उसे लगे कोई मेरे आस पास में है, ठीक है, ये उनकी ट्रिक मिलती है हमें, हर चीज की कोई ना कोई ट्रिक और कोई ना कोई चीजें मिलती है। चलो पढ़ो अगला, पढ़ो देखो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ा इधर क्वेश्चन उधर क्वेश्चन, ठीक है। एक परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, बताओ कथन सत्य है सत्य नहीं है या सत्य है क्या है भाई, ये सुबह सुबह कंफ्यूज कर रहा है ये तो मुझे। ठीक है चलो तो स्टार्ट करेंगे, क्या आंसर बता रहे हो, फोर का सी बिल्कुल सही, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब बोलो क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार कई प्रकार के होते हैं इसलिए एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्लियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, जल्दी कंप्लीट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है जो भोजन पकाने में मदद करती है, और अमाशय रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में बता दो लगभग कितनी होती है अमाशय रस, अमाशय रस में कौन सा एसिड मिलता है। अक्सर ये साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ज्ञान सर बड़े बढ़िया से बताते हैं लेकिन यहां मुझे थोड़ा बहुत उनसे ज्ञान प्राप्त हो, मैंने कहा मैं भी बता दूं, ठीक है। चलो आंसर है डी, एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि मैंने लिख दिया ना एसिड, पेट में क्या होता है एसिडिटी, तो एसिडिटी पेट में होती है, क्यों एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो
एसिड क्या होता है? लगभग अरे यार, HCl एसिड होता है और इसकी मात्रा लगभग 3 होती है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 3 पीएच वैल्यू वाला होता है। सोचो इतना तेज एसिड होता है ना ये, अगर इसमें हम कुछ गिरा दें तो वो भी 24 घंटे के अंदर गायब हो जाए। साइंटिस्ट का मानना है अगर एक ब्लेड, ठीक है, ब्लेड समझ रहे हो, ऐसे वाली ब्लेड, तो अगर एक ब्लेड हमारे HCl जो एसिडिक एसिड पेट में होता है उसमें गिरा दिया जाए, 24 घंटे में वो ब्लेड भी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये चीज याद रखते हुए चल लेना, ठीक है, और सेशन को फटाफट लाइक शेयर करते हुए चलो भाई, जो नए दोस्त हमारे आते हैं ना फटाफट शेयर करते हुए चलो। ओहो लो जी, लगता है मुझे मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ढूंढनी ही पड़ेगी। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको ही हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में देखते हैं, बताइए। अरे भैया, एडी राज फिर से, लगता है एडी डर नहीं है, खौफ नहीं है तुम्हें। होगा होगा, खौफ भी होगा। ठीक, चलो तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। क्या आंसर है इसका? ये बोल रहा है कि दो तरीके का वर्गीकरण बच्चों ने कर दिया है और शिक्षक बोल रहा है ए सही है और समूह बी को इसने गलत माना है। क्या बोला? वर्गीकरण का काम विशिष्ट होता है और उसका एक ही सही उत्तर होगा। ठीक, देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, चलो। हाँ, मतलब बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? शिक्षक के दृष्टिकोण की बात कर रहा है ये, शिक्षक का दृष्टिकोण। समझो क्वेश्चन को। चलो मैं वापस आता हूं आपके सामने एक बार फिर से। ठीक, वापस आता हूं एक बार फिर से। शिक्षक का दृष्टिकोण पूछ रहा है भैया, तो शिक्षक ने बोला ए ठीक है, बी गलत है। जब उसने बोल दिया ना कि ए तो आपका सही है, बी वालों ने गलत कर दिया, मतलब उसका यही मानना था कि वर्गीकरण बहुत अच्छा, उसका एक आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिंपल ये पूछता कि आकलन किसे प्रतिबिंबित करता है और इसमें ये नहीं देता कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तब इसका आंसर डी हो सकता है कि हम वर्गीकरण के लिए अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे तरीके यूज कर सकते थे। ठीक है, ये तब ठीक होगा जब हमसे क्या पूछा जाता? सामान्य आकलन पूछा जाता। ठीक है, कि ये दो आकलन क्यों कर दिए हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? बात समझ में आ गई है गदादर? इंग्लिश में दिखाया था, ध्यान नहीं रहा होगा, इतना लेंथी क्वेश्चन मिल ही जाता है हमें। ठीक है यहां तक? चलो जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। गौतम भाई, क्या डाउट हो गया अब आपको? देखो, इसने क्या बोला? आपने बोला अपनी क्लास में जो बच्चे थे, मैंने बोला बच्चों एक काम करो, अपने आसपास में जितनी पत्तियां हैं उन सबको इकट्ठा करके लाओ। सब बच्चों ने इकट्ठा करा, मैंने बोला इनके आप ग्रुप बना दो। कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाया कि जिन पत्तियों से दवाइयां मिलती हैं वो ए ग्रुप में आ गई हैं। ठीक है, जिन्होंने ये दो ग्रुप बना दिए कि दवाई बिना दवाई वाले, और दूसरा बच्चा जिन्होंने ग्रुप बनाया कि बड़ी पत्ती छोटी पत्ती वो अलग हो गया। टीचर ने देखा, बोला कि पहले वालों ने बहुत सही काम करा है, दूसरे वालों ने गलत काम कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीचर का जो एटीट्यूड है, जो टीचर का दृष्टिकोण है, वो क्या दिखाता है, टीचर का दृष्टिकोण क्या बताता है, ये पूछा गया है। नहीं, ईवीएस पेपर दो में नहीं आती है। ठीक है गौतम, ईवीएस पेपर दो में नहीं आती है। कभी कभार जब ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, ज्योग्राफी के अंदर एक आध क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी का, एक आध क्वेश्चन वहां से फंस जाता है, तो वो हम कह लेते हैं कि यार वो तो ईवीएस का हो गया है, वरना पर्टिकुलर ईवीएस सेकंड पेपर में नहीं आती। ठीक है, चलो, बात क्लियर सबको? बात क्लियर हो गई है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अंजलि, समझ में आ चुका है पॉइंट? बताओ भाई जल्दी से।
रीना देवी जी एग्जाम का डेट वही दिसंबर बोल रहे हैं यार। अब देखो दिसंबर में कब तक होता है। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है बात, ठीक है भाई, चलो अब आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। पढ़ो, पर्यावरण अध्ययन अपनी कक्षा में समूह के क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए अपने निर्माण करते हुए आप अपने में कितने चारों में किसका ध्यान रखेंगे? अच्छा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ो। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में चारों में से किसका ध्यान रखेंगे? आप इन चारों में से किसका ध्यान रखेंगे? ठीक है, बच्चों की सूचियों का ध्यान रखेंगे। जब हम ग्रुप बनाएंगे, क्वेश्चन को समझो, आप क्लास में हो, आपने बोला बच्चों आज हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो किसका ध्यान रखेंगे? बच्चे की सूचियों का ध्यान रखेंगे कि बच्चों ने क्या करा क्या नहीं करा था, उसको ध्यान में रखते हुए। लड़के लड़कियों को समान अवसर देंगे कि समान रूप से रुचिकर लगे। मूल्यवान सामग्री जिसमें लगी उसकी बात करेंगे। सभी धर्म संस्कृतियों की पृष्ठभूमि के बच्चों की बात करेंगे। तो आंसर है बिल्कुल ठीक, सी सही जवाब। मूल्यवान सामग्री यार नहीं, पैसा नहीं खाना है हमें, हमें पैसा नहीं खाना है। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, चाइल्ड इंटरेस्ट, ये रुचि कर लो यार इसको, ठीक है। बच्चों की रुचियों का ध्यान, लड़के लड़कियों को समान अवसर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी रुचिकर लगे, ऐसा ना हो कि उनको लगे हमारे संग भेदभाव हो रहा है। अगला पॉइंट इंग्लिश में है, फिर हिंदी में देखेंगे। पढ़ो इंग्लिश में एक बार। एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसे। चलिए ठीक, अब मैं इसको आगे देखता हूं। हिंदी वाले देख लो इसको फटाफट, हिंदी वाले देख लो फटाफट, और जो अभी इंग्लिश वाले ना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर लो, फटाफट लाइक कर लो, और सेशन को शेयर करते हुए चल लेना है भाई। ठीक है, देखो आवाज भी बैठ गया अचानक से। बोला पर्यावरण सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है, केवल एक कथन को छोड़ के, मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। तो आंसर बिल्कुल सही, ज्यादातर लोगों का आ रहा है डी। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये कथन गलत है। बाकी ठीक ठाक है कि अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चे अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, आपस में बात करने से, बहस करने से ज्यादा सीखते हैं। लेकिन क्रियाकलापों की वजह से अंक उपलब्धि सुधार, ये गड़बड़ मिलता है। अगला पॉइंट फिर से पढ़िए। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, और सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक होगा? अब वो बच्चे जो ग्रुप में काम कर रहे थे, हमें क्या करना है उनका, उन बच्चों का सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन करना है। तो कौन सा सबसे अधिक अच्छा होगा? तो निर्धारण, मापनी, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षण। फिर से बीबी, ओहो एडीजी, हाँ बिल्कुल डी को उड़ा दें। चलो जी, कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पर क्या बोला गया है? बोला सर्वाधिक उपयुक्त होगा, पूछा है भाई दीपक, जो सबसे सटीक होगा, और जो सबसे सटीक होगा वो प्रोजेक्ट वर्क होगा, ताकि हम उनको उनके बारे में और जान सकें कि प्रोजेक्ट वर्क के तहत वो बच्चे किस प्रकार एक दूसरे से काम करते हुए चलते हैं। ठीक है, दत्त कार्य, जो उनको काम दिया जाता है, जो कार्य दिया जाता है। ठीक है रिद्धि जी, पिंकी ओझा, क्लियर हो गई बात यहां तक?
चलो, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? अब बच्चों ने से आपने बात करी, मैंने बोला बेटा बताओ क्या चल रहा है ये, ठीक। तो जब आपने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बोला पौधे घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। किसी बच्चे ने बोला बीज, किसी पौधे बीज नहीं, बीज कर लेना, बीज नहीं है, सीड्स कर लेना इसमें, ठीक है। ये क्या कर लो ना, इसे कर लेना बीज, किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त कौन सा हमें मिलेगा। ठीक, तो इसका सही जवाब है बी, क्योंकि कुछ सब्जियां फल होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है ये, ठीक है। अगला पॉइंट बताओ, कक्षा 4 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा उसने, बोला कि कुछ वयोवृद्ध बुजुर्ग लोगों से यह पूछिए कि जब वो जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। ये क्वेश्चन आप पूछो अपने दादा से, अपने दादी से, अड़ोस पड़ोस में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे। तो भाई यहाँ ऑप्शन चेंज है तो क्या कर सकते हैं अंजलि, क्वेश्चन बहुत बार क्या होता है। अब देखो यहाँ पूछे नीचे उसने क्या कर दिया, हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए। किस आकलन की संभावना नहीं है, कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल ठीक है, ए एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हो सकता है जिसमें है पूछता, बाकी ऑप्शन चेंज कर लेता, ठीक है। अगला, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से रद्दी कूड़े कबाड़ से बनी हुई वस्तुएं बनाने को कहता है, तो शिक्षक का अभिप्राय नहीं है, ध्यान रख लेना नहीं पूछा है, क्या वो नहीं बताना चाहता, क्या वो नहीं बताना चाहता, क्या उसका अभिप्राय नहीं है। बच्चों के पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग, रूपांतरण को समझना चाहिए। कूड़े से बनी सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। कक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में वो डिसीजन लेना चाहता है, तो यही तो नहीं लेगा वो, ये गलत है और हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगला पढ़िए, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन सही तरीके से इंग्लिश वालों को, चलो पढ़ लो भाई इंग्लिश वालों, लास्ट के क्वेश्चन भी पढ़ लो। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, किसे, मैं भी पूछूंगा आप भी पूछोगे, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां स्ट्रेंथ क्या थी, मुझे सचमुच क्या कठिन लगा, ये 4 प्रश्न मैंने पूछे, आपने भी पूछे। अब बताओ क्या होगा, शिक्षक अपने आप को असाइन असेसमेंट करेंगे, स्व आकलन होगा, बच्चे और शिक्षक दोनों का स्व आकलन रहेगा, या शिक्षक समग्र आकलन कर लेगा, या केवल बच्चों का स्व आकलन रहेगा, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बी को उड़ा दिया जी पंकज। बच्चे अगर आप ये क्वेश्चन अपने अपने से पूछते हो तो आपको भी पता चल जाएगा आपने कितना सीखा, और ये प्रश्न जब मैं अपने से पूछूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कि यार मैंने आपको कितना अच्छा पढ़ाया, या मैं जो चीजें लेकर के आया वो कितनी अच्छी सीखी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में भाषा कैसी होनी चाहिए, रूखी और बच्चों को समझने में कठिन, परिभाषाओं पर बल देते हुए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों के प्रतिदिन की भाषा। बताओ, मुझे तो लग रहा है तकनीकी होनी चाहिए, औपचारिक, भाई आखिरकार औपचारिक शिक्षा दे रहे हैं ना हम उनको, क्या होना चाहिए। दीप्ति सोनकर, चलिए भाई आप फटाफट सेशन को क्या कर दो, पहले तो लाइक भी कर दो यार, 50+ लाइक तो हो ही जाने चाहिए अभी अभी, ठीक
क्योंकि इतने तो स्टूडेंट हैं हमारे पास, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। चलो तो डी इसका सही है भाई, रोजमर्रा की भाषा, आम बोलचाल की भाषा में जितना अच्छा सिखाओगे ना, जितना अच्छा समझाओगे, उतना बढ़िया चीजें हो पाएंगी, ठीक है, उतनी बढ़िया चीजें मिलेंगी, ये चीज ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न पढ़ो। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और पशुओं पर रंग भरने को कहता है, जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? और आपको बताना क्या है, आपको बताना उपयुक्त में से कौन सही है। नीचे आना रह गया ये अप्रोप्रिएट डेवलप डेटा स्टोरेज, आपको बताना है व्हाट इज अप्रोप्रिएट, ये आपको बताना है, ठीक है? बात समझ में आ गई यहां तक? कोई बात नहीं, अगला पॉइंट, और इसका सही जवाब मिल रहा है डी। क्या बोल रहा है, उसने बच्चों को अलग अलग चित्र दिए, समझो क्या बोला, अलग अलग चित्र दिए और उन पर रंग भरने के लिए कहा। अब जो हमारे घरों में नहीं थे, क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, सृजनात्मकता विकसित करना, बिल्कुल। अवलोकन, ये भी ठीक है। वर्गीकरण कौशल, ये भी ठीक है, लेकिन डाटा संग्रह थोड़ी करेंगे, तो डी तो गलत है। डी गलत हो गया, डी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, बहुत बढ़िया। अगला फिर से इंग्लिश में आ गया प्रश्न, एक फिर से एक प्रश्न इंग्लिश में आ गया है, अब इसको आप क्या कर लो, हिंदी में पढ़ लो। ठीक है, चलो मैं अब हिंदी में दिखाता हूँ आपको इसे, ये लो हिंदी में आने से पहले तो ये डिस्काउंट कोड आ गया, तो भाई अगर आप कुछ भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट आप लेते ही हैं, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ रीना देवी, आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं रीना जी। सपना जी भी पहुंच चुकी हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। सपना जी टेलीग्राम अगर आप नहीं चला रहे हैं तो जरूर यूज करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भेजे जाते हैं मेरे द्वारा और हमारे बहुत सारे दोस्तों के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या है, डी आंसर है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कारण को छोड़कर से सभी कारण सही है, तो वो कारण कौन सा है, जो गलत कारण है। ठीक है, गलत कारण क्या है, इस बात को उभाना किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से संबंध साझा करता है। बात समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को, ठीक, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सही से, बिल्कुल डी तक पूरा दिखाई दे रहा है, मैंने अपने लैपटॉप में चेक कर लिया है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, समुदाय के साथ क्रिया औसत, बच्चे लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे का मतलब पूछना है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करना, आकलन के अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, क्या सही है, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या सही है। तो डी सही है, डी सही है, नहीं सी सही है, क्योंकि ये काम भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और आकलन के तौर पर भी तो करेंगे कि किस बच्चे ने कितना डेटा है, किस तरीके की चीजें काम करी है वहां पर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल मिस्टर वर्ड प्रशांत, बहुत सही। अगला प्रश्न इसे ध्यान से पढ़ना, मैं भी पानी पी लेता हूँ भाई, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 तक 3 क्वेश्चन इससे होने वाले हैं। आप टीचर थे, आप क्लास में गए, आप एक कटोरी लेकर के गए, एक कटोरी में आपने पानी डाला और उस पानी को गर्म कर दिया स्टोव पर, ठीक है, या परख न लिया, जैसा भी कुछ हो, जैसे आपने उसको गर्म करा और पानी क्या हो गया, भाप बनकर उड़ गया। तो आपकी क्लास में जो बच्चे थे हमारे, ठीक है, जो हमारे 7-8 साल के छोटे बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या करा, उन बच्चों ने बोला, अरे मास्टर जी मास्टर जी पानी गुम हो गया। दूसरे ने बोला, मैडम जी कटोरे ने पानी सोख लिया है। तीसरे ने बोला, आग ने पानी पी लिया। बोला, नहीं, भगवान ने पानी पिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया,
अब देखो क्या बोल रहा है, डी कहां से आ गया ये। अब देखो क्या बोल रहा है, यह उत्तर बच्चे और उनके विचार के बारे में क्या बताता है। ये जो सारे आपने सुना ना, भगवान ने पानी पी लिया, कटोरे ने पानी पी लिया, ये जो उत्तर है ये क्या बताता है बच्चों के बारे में, ठीक है। ठीक, चलो तो आगे कंटिन्यू करता हूं। तो इसके बारे में क्या बताता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, वैकल्पीय विचार हैं उनके। अगला, बच्चों ने पूछा आपसे उत्तरों का सामना कैसे पहुंचेगा। बच्चों ने बोला मास्टर जी क्या भगवान ने पानी पी लिया, दूसरे ने बोला नहीं नहीं जी कटोरे नहीं पानी पी लिया है। तो आप क्या बताओगे, दो कान के कंटाप लगाओगे और बोलोगे कि चल बैठ जा चुपचाप, इतना भी नहीं आता तेरे को। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, उनके विचारों तक उन्हें नहीं है पूर्व कर लेना, पूर्व पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। बच्चों को बता दें गलत है, या जल चक्र का एक चार्ट दे दें या वर्गीकरण की परिभाषा दें और बोले रटो लो खत्म कहानी, ठीक है। अगर ऐसा है बच्चों तक, ध्यान रखना ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, पांचवी छठी के बच्चे हैं, आप दूसरी तीसरी क्लास को बता रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जल चक्र का एक मानक चार्ट बनाकर बोलोगे बेटा ऐसे ऐसे जाता है। चर्चा चर्चा मतलब क्या हो गया, मैंने बोला आपने बोला बात खत्म। लेकिन जल चक्र मतलब बच्चे देखेंगे देखेंगे समझेंगे कान से सुनेंगे, आप पूरा का पूरा चार्ट डिस्क्राइब करोगे, आप बोलोगे बच्चों समझ में आया, ठीक है। तो बेटा समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक कर लेना, सेशन को लाइक कर लेना बेटा, क्लियर हो गई बात। आंसर सी हमें मिलेगा। अगला, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की अलग अलग तरीके की सोच का आकलन करने के लिए कौन से प्रश्न पूछेंगे। अब मतलब बच्चों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और आपने बाद में उनको चार्ट बनाकर समझा दिया कि नदी से क्या हो गया है, नदी से झरने निकले, झरने तालाब पहुंचे, झील बनी, समुद्र में पहुंचा, भाप बनकर उड़ा, बादल बड़े, वर्षा हुई, आपने पूरा अच्छे से समझा दिया। अब उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछोगे कि आपको पता चल पाए कि उन्होंने सही करा या नहीं करा, बोलो जल्दी। सी को उड़ा दें, चलो सी को उड़ा दिया, उड़ गया, क्या हो गया, क्या होता यदि चलचक्र नहीं होता। देखो जब भी कल्पना वाले चिंतनशील प्रश्न पूछते हैं तभी हमें ये समझ में आता है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, बच्चे कितना सीख पाए हैं। जलचक्र नहीं होता तो बेटा क्या होता, तो वो समझते बोलते सर जी जलचक्र नहीं होता तो बादल नहीं बनते, दूसरा बोलता सर जी बारिश भी नहीं होती, समझ में आ गई बात। अगला, ये पुराना 2016 का पेपर है, तब तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वर्तमान परिस्थिति क्या है इसकी। तो वर्तमान परिस्थिति में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये क्या बन गए हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, यहां पर विधान सभा भी है, जबकि इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, ठीक है। चलो सही जवाब है हिमाचल और पंजाब, हिमाचल और पंजाब। जरा जम्मू कश्मीर का मैप उठाकर देखना, इस तरीके से जो हमारा भारत महान का जम्मू कश्मीर का मैप दिखाई देता है ना, तो यहाँ पर पंजाब वाला रीजन आता है, ये हिमाचल वाला रीजन आता है, ये एचपी का हो गया है, ये पंजाब का हो गया है। अगला पॉइंट बताइए, फिर से मुझे मिस्टर इंडिया बनना पड़ेगा लग रहा है। हाँ नहीं, जरूरत नहीं है फिलहाल तो बनने की, आप इसको पढ़िए। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में दिखाता हूँ, अब इसको हिंदी में देखते हैं, पढ़ो। मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख, ठीक है। ये लिखना बांस, बांस, बैम्बो लिख लेना है, हाई राइजिंग ऑन द पिलर्स, ठीक है, बिल्ड ऑन पिलर्स, बांस के खंभों या खंभों पर बने हुए उठे हुए घर, राजस्थान हाउस बोट, क्या होने वाला है, मैच करते हैं। मनाली में, चलो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में ये वाले घर होते हैं। असम में होंगे ऊपर बने हुए घर, असम में क्या होंगे, खंभों के ऊपर बने हुए घर, ये असम में हो जाएंगे, ठीक है। मनाली में कैसे होंगे, घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, जिनकी छतें क्या होती हैं, ढालू होती हैं, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा,
तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा आंसर चार आ चुका है, डी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने भी आंसर दे दिया भाई, शानदार जवाब यहाँ पर दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन फिर क्लियर हो ही गया। अभी भी इसका आंसर अलग अलग किताबों के राइटर अलग अलग इसका आंसर देते हैं, ठीक है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालू के कारण हो, बालू नहीं बाल, बाल बाल के कारण होते हैं। सैंड नहीं आएगा इसमें, कॉज पैटर्न, पैटर्न कौन, ऑर्गेन स्केल्स स्किन, ठीक है, या फिर यहां पर लिख लेना। चलो मैं इसको ठीक कर लेता हूं। आंसर आप लोग दे चुके हो मुझे पक्का उम्मीद है। कॉज हेयर ऑन देयर स्किन्स, ठीक है। तो चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर ए आ चुका है इसका। एक अगला प्रश्न और सेशन को लाइक करते हुए चलिए जल्दी से भाई, जाना कहीं नहीं है, वापस आना है, ठीक है। ठीक, तो चलो फिर से मुझे मिस्टर इंडिया बनने का समय आ चुका है। बताइए क्वेश्चन को, पढ़िए और आंसर बताइए। बताइए आंसर क्या होने वाला है। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेशन को जल्दी से लाइक करते हुए चल लेना है। 1 घंटे में 50, 2 से घंटे में 100 पार करने हैं हमें लाइक्स, ठीक है। चलो तो इसका सही जवाब है डी, जंगल अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उसके जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, लेकिन वो उनको नष्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये नया कानून बनाया गया था, एक नया कानून आया है ये 2007 में, पूछा जाता है आप लोगों से। चलो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बताओ मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग कौन सा है, कौन सी बीमारी है जो मच्छर फैलाने का काम करते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। मच्छर, बिल्कुल बिल्कुल, राजेश, दीप्ति, अंजू, प्रीति, सुरजीत, दीपेश, दीपक, सिन्नी जी, पंकज तोमर, मैं पहुंच रहा हूँ भैया, कहाँ पहुंच रहे हो पंकज, अविनाश, दीपक मोदी, 23 बता दीजिए फिर से। चलो दीपक अभी बताता हूँ 23, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यही एक ऐसा क्वेश्चन कल भी पेपर में पूछा गया था, मतलब सीटेट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 23वां प्रश्न, हाँ, जो पशुओं की त्वचा पर पैटर्न आप देखते हो ना, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा पर अलग अलग रंग के बाल होते हैं, अलग अलग कलर के बाल होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक कुत्ता हमें में है जिस कुत्ते के काले बाल हैं, और एक कुत्ता जिसके काले सफेद, और एक कुत्ता जिसके लाल बाल। जब उन सबके बाल झड़ जाते हैं तो क्या होता है, तो तब क्या हो जाता है, तब उनकी त्वचा दिखाई देने लग जाती है, जब उनकी त्वचा दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। अनुज, नहीं, अनुज बिल्कुल ठीक है बात, वो कोई और थे मेरे ख्याल से, ठीक है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, और भाई भागने वाले कहाँ भाग गए, ठीक है, जाना कहीं नहीं है, रुको यहाँ पर जल्दी, ठीक, भागना कहीं नहीं है। आर्यन बहुत बढ़िया, टेलीग्राम ग्रुप की बात हम कर लेते हैं। फटाफट सेशन को शेयर करते हुए चलिए। अगला प्रश्न आ चुका है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक, चलो आंसर बताओ इसका, आंसर क्या मिलेगा हमें। आंसर है डी। देखो ध्यान रखना,
ये आकर्षित करने के लिए आवाज नहीं निकालता है, ये क्या करता है, ये गंध निकालता है। पौधे का मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका रहता है। भारत में नहीं पाया, नहीं कांटों से ढका नहीं रहता है, बल्कि ये इस तरीके का एक पौधा होता है जिसके ऊपर ऐसा ढक्कन होता है, ठीक है, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। भारत में नहीं पाया जाता, नहीं भारत में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। जो सही ऑप्शन वो है कि ये छोटे छोटे मेंढक, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, नीचे देखे खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, बताओ भाई आंसर। हाँ भारत में मेघालय बता दिया, मेघालय में पाया जाता है, सिनी जी बात क्लियर है, दीपांजलि ने भी बता दिया है मेघालय है, नीलेश जी हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, मंतोष राधे राधे भी, मंतोष राधे राधे, प्रिया जायसवाल बहुत बढ़िया। अनुज क्लियर है अनुज, चलो तो इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, बी। आपको पता है गुड़ में लोहा मिलता है, आंवले में भी लोहा मिलता है और पालक में भी लोहा मिलता है। गुड़ आंवला पालक दो बार हो गया मुझे लग रहा है, गुड़ आंवला पालक, गुड़ आंवला पालक, हाँ यहाँ कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है। इसका ऑप्शन गुड़ आंवला पालक हमें मिल जाता है। हाँ पिंक की वजह दोनों सेम है, टाइपिंग में मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है। ये गुड़ आंवला आलू होना चाहिए था, ये आंवला आलू टमाटर होना चाहिए था, ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये गुड़ आंवला आलू होना चाहिए था। चलो कोई नहीं है, आपको पता चल गया मेन बात यही है। अगला पॉइंट बताओ आप जल्दी से, देश का नाम बता सकते हो तो बता दो भाई। ठीक है चलो अगला प्रश्न और इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है सी, दक्षिण अमेरिका से आता है ये। कहाँ से आया था, ये दक्षिण अमेरिका के पास से आया था, ठीक, अमेरिका के ये लोग हुआ करते थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका और अगर पर्टिकुलर देश पूछा जाए तो ये लोग जो दक्षिण अमेरिका से आए हैं ये लाल मिर्च को मैक्सिको के आसपास से लाने का काम किया था, ठीक, और सेशन को बिल्कुल शेयर करते हुए चलो, लाइक करते हुए चलो, ठीक है, सेशन को शेयर लाइक करते हुए चलना है। एक पेपर कंप्लीट होने वाला है हमारा, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बता दो जल्दी से भाई मुझे, जल्दी से मुझे बता दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, बहुत सही, भालू जैसा है स्लोथ, ये स्लोथ है भालू जैसा, इतना बड़ा आलसी कि ये 17-18 घंटे सोता रहता है, और ये मुश्किल से पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में क्या होता है, 8 वृक्षों पर ही जाता है, और इतना बड़ा आलसी कि हफ्ते में एक बार ही वॉशरूम जाता है, ये हफ्ते में एक बार ही शौच के लिए जाता है, ठीक, क्लियर, ओके। अंजलि क्वेश्चन 6-6 तो यार बड़ा पीछे रह गया, एक बार दोबारा आप देखना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है अंजलि, क्लियर। चलो हाँ अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, बताओ जल्दी से। हाँ केवल 8 ही पेड़ चेंज करता है। मीना शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं भाई, मीना बहुत बढ़िया, आप आ चुकी हैं, वेरी गुड। श्वेता सोनी गुड मॉर्निंग, श्वेता जी भी पहुंच चुकी हैं। ठीक है 30 का आंसर है,
ठीक, चलो आंसर है इसका फाख्ता। फाख्ता जिसको क्या बोलते हैं, डव कहते हैं। ठीक है, डव जिसको बोलते हैं ना, डव आपका चेहरा मेरे लिए लकी है, डव कहा जाता है इसको। हाँ गदाधर जी बिल्कुल, डव है, शक्करखोर, शक्करखोरी कहा जाता है। कलचड़ी, कलचड़ी को क्या कहा जाएगा भाई? ठीक है, कौवा, क्रो, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक, क्लियर, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 मिनट का समय मैं दिक्कतों को दूर करने के लिए ले लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अरे शिक्षक का दृष्टिकोण था यार, फिर से उस पर अटक गए आप। जब आपको ये बोला कि शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, तो वो यही है, शिक्षक मानता है कि भैया जो वर्गीकरण का तरीका वो एक होना चाहिए, ये इस शिक्षक का दृष्टिकोण है। अगर आपको सिंपल ये पूछता कि वर्गीकरण किस आकलन या वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो आंसर डी हो जाता। वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो आंसर डी आ जाता। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आप अगले पेपर को देखेंगे, हम प्रश्न नहीं, अगला पेपर 2016 का पेपर आ चुका है। ठीक, हाँ रीना, रीना जी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ये बिना स्पेस के क्या करिएगा, सर्च करिएगा, विदाउट स्पेस सर्च करिए आर्यन। थैंक यू वेरी मच भाई। अगला फरवरी का पेपर अब हम शुरू करने वाले हैं, स्पीड यही रहेगी, स्पीड यही रहेगी। क्वेश्चन 22 नंबर बता दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लेते हैं। अरे क्या है यार इसमें, सिंपल बोला गया है, सिंपल बोला गया है। ये बोल रहा है कि मनाली में जो पत्थर होते हैं, घर होते हैं, वो ढालू छत वाले होते हैं। राजस्थान में घरों में कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। असम में घर खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में घर क्या होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। हाउस बोट कहाँ पर होती है, कश्मीर में होती है। अब मैच कर लो, अब मैच कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैच कर लो, आपको क्या पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई है? चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, और अगला प्रश्न हम देखते हैं, पॉइंट नहीं अगला पेपर देखेंगे अब हम। 2016, अंजलि रजावत जी, अंजलि जी जानवी भाई आप लेट आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं अंजलि जानवी। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और फिर बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और फिर बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलो ये कह रहा है कि कौन सा कथन, और सेशन को ना फटाफट लाइक करते हुए चलो यार, अब 100 क्रॉस करने हैं हमें लाइक के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कथन कर लेना है इसको, आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम है जो, सबसे बेकार है जो, ये बताना है। ध्यान से सोच समझ के पढ़ो और उसके बाद बताना है ये कौन सा कथन जो क्या है, जो सबसे कम उपयुक्त हमें मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आंसर है इसका ए, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण देना। ठीक, आकलन में अगर हम बच्चे को पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे को प्रमोट करेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी संकेतों और उपसंकेतों पर सूची बनाना ठीक है, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश जैसे चीजें देना बिल्कुल ठीक है। बच्चे के पोर्टफोलियो को उनसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरीके के कार्य होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक बच्चे की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ, नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या प्रश्न है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के पास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? ये एक प्रश्न है। ठीक है, ये एक प्रश्न आपको मिल जाता है जो आपको पढ़ना था यहां से लेकर के यहां तक। अब बोला नोटबुक में उनके नाम लिखो, इस प्रश्न के माध्यम से प्रक्रमण, ठीक
ठीक है, प्रकरण कर लेना, प्रकरण, प्रकरण कौशल का आकलन किया जाएगा। कौन सा कौशल, कौन से कौशल का आकलन करेंगे हम, बताओ जल्दी से, सेकंड का। बहुत सही जवाब, देखो और नोट करो, रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो जी, अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे, आ चुका है, पढ़िए आराम से। पढ़िए आराम से और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलो। सेकंड का डी, स्वेटी डी, तृप्ति साख्या डी। चलो एक बार मैं देख लूंगा क्या वहां पर बोल रहा है ये। ठीक, चलो जी, तीसरे का सही जवाब है फिर से डी। क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय वस्तु पर्यावरणीय मुद्दों को संबंधित संबोधित करती है, ठीक है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करती है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु विज्ञान की, या फिर क्या है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण, तीनों चीजों को कवर करता है। ईवीएस तीनों चीजों को कवर करता है, क्या, एनवायरमेंट स्टडी, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक सवाल देता है, पेड़ के 5 लाभ लिखो। दूसरे शिक्षक ने सवाल दिया, अगर क्या हो धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो अब बताओ बद्ध अंत या फिर मुक्त अंत, अभिसारी या अपसारी, क्या इसका जवाब होगा, क्या इसका जवाब होगा। पांच लाभ लिख लेना है, तो 5 लाभ का मतलब फिक्स हो गया आंसर, फिक्स हो गया 5 लाभ, मैंने कोई बताया, आपने कोई बताया, लेकिन फिक्स है, इन 100 में से ही कोई बताएंगे, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्लोज, ठीक है। और जैसे ही क्लोज्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप वहां पर अपसारी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब क्लोज्ड लेकिन बहुत सारे आंसर वाला, ठीक है, क्लोज्ड यानी बहुत सारे आंसर वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड यानी कि पहला बद्ध दूसरा मुक्त, पहला बद्ध दूसरा मुक्त, आंसर पहले और डी में से कोई होगा, पहले और डी में से कोई होगा, समझ में आ रही है बात, क्या कर रहा हूं मैं। अब 5 लाभ लिखा, अगर आपने बोला धरती पर कोई पेड़ ही नहीं है, क्या कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, भाई क्या हो रहा है, ओपन एंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट अभिसारी हो रहा है, ठीक है, अभिसारी प्रश्न मिल रहा है। कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या मिलेगा हमें, अच्छा ठीक है, जो ओपन एंडेड है वो क्या मिलता है, वो ओपन एंडेड वाला डाइवर्जेंट मिलना चाहिए ना यार, अपसारी होना चाहिए और अभिसारी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, आंसर ए आना चाहिए, इसका आंसर ए आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लगता है मुझे कि बुक में गलत दिया गया था, आंसर इसका क्या मिलेगा आपको, ए आंसर सही जवाब मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बद्ध अंत क्लोज्ड वाला हो गया है और बहुत सारे इसके आंसर, नहीं, बद क्लोज हो गया तो क्लोज हमेशा क्या हो जाता है भैया, क्लोज तो हमेशा कन्वर्जेंट हो जाएगा ना, अभिसारी हो जाएगा, और ओपन वाला हमेशा अपसारी हो जाएगा, हाँ आंसर ए हो जाएगा, बहुत सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो, कक्षा एक में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब क्या बोला है, आकलन की आवश्यकता, अच्छा कौन सा सही है ये आपको बताना है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके,
बोलना है कि आकलन के बारे में कौन सा सही है, पढ़ो और फिर जवाब दो क्या इसका आंसर हो जाएगा। मौखिक परीक्षाएं हो क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल ठीक है। ड्राइंग क्योंकि बच्चे इसमें इनका आनंद आता है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा अवलोकन रिकॉर्डिंग करना, बिल्कुल ठीक है। किसी को ना रोके नीति, किसी को ना रोके नीति, भैया ये तो परीक्षण को ही मना कर रही है। परीक्षण को क्या कर रही है, ये मना कर रही है, तो ये गलत है। बच्चे पढ़े ना पढ़े आप सबको पास कर दो, ऐसा कैसे होना चाहिए। तो आंसर ए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इंग्लिश वालों को नहीं दिखाई दे रहा है, चलो मैं गायब हो जाता हूं। अब बताइए आंसर इसका। अंजलि चौथे का मतलब है किसी को ना रोके, जैसे आजकल नहीं चल रहा है कि 8वीं तक के बच्चों को फेल कर ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ करके आए ना करके आए, 8वीं तक के बच्चों को फेल किया ही नहीं जा सकता है, ये बात है किसी को ना रोके नहीं। अंजलि समझ में आ गया। दीप्ति जी क्या हो गया, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। और भाई सेशन को फटाफट शेयर करते हुए चलना आप लोगों को। चलो मैं वापस आ जा रहा हूं, और क्या आ रहा हूं मैं, आपके क्वेश्चन का आंसर लेते हुए वापस आ रहा हूं। आंसर ये हमें मिल जाता है सी, ठीक है, आंसर सी आ जाता है, अवलोकन। क्या बोल रहा है, एक पेपर दबाया डुबाया, देखो चेक करो, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ओवरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक, बहुत बढ़िया, ऑब्जर्वेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा गदाधर, क्लियर हो गई है बात। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संबंध में सिवाय, मतलब शिक्षण शास्त्र के संबंध में डैश के सिवाय निम्नलिखित में से सभी वांछनीय अभ्यास हैं, इसके अलावा कौन सा एक गलत है। चलो क्या हो जाएगा इसका, ओके थैंक यू गदाधर। तो कौन सा एक वांछनीय है, बाकी गलत है। तो चलो आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता, मतलब जो किताबों में लिखा पत्थर की लकीर, नहीं ये गलत है। कहाँ चले गए थे, तबस्सुम, डी में कहाँ पहुंच गए, डी में नहीं पहुंचना है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर है सी, ठीक। बच्चे के चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। बच्चे की अस्मिता तथा व्यक्तित्व का पोषण करेंगे, व्यक्तित्व का पोषण करेंगे। पाठ्य और संदर्भ बहुलता को बढ़ावा देंगे, बढ़ावा देंगे। बोलेंगे बेटा किताबें नहीं, एक काम करो न्यूज़पेपर में भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीज होगी, लेकिन ये नहीं बोलेंगे यार किताब में जो लिखा सब कुछ ठीक है। अगला पॉइंट, लगता है गायब होने का समय फिर से आ रहा है। चलो पॉइंट का आंसर बताना है, महेश कक्षा 4 का शिक्षक, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाता है, कौन सी विधि इस उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा अधिक अच्छी होगी। वो चाहता है बच्चे पर्यावरण के बारे में और ज्यादा सीखें, जानें, पेड़ पौधों को ना तोड़ें, पत्तियों को ना काटें, ये वो चाहता है। तो भैया क्या करना पड़ेगा उसको, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताना है आंसर, क्या करना पड़ेगा। बहुत सही जवाब, 8वीं का बी। भाई सिंपल सीधा बात, बच्चों से बोलो एक पेड़ लगा लो और उसकी देखभाल करो, क्योंकि आप अगर अपने हाथों से एक पेड़ लगाते हैं और वो बढ़ता है ना, तो दिल को सुकून और दिल को चैन और आराम दोनों मिल जाता है। लगता है यार कितना अच्छा है कि मेरे लगाया हुआ पेड़ फल देगा अब या पौधा फूल देगा अब। तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे ज्यादा अच्छे से उस चीज से आकर्षित होंगे, उससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला
और चित्रकला के समूह में शीतला विशेष आनंद उसे पसंद करती है। क्या बोल रहा है भाई ये, गूगल भाई साहब ना सुधरेंगे नहीं। के समूह में विशेष आनंद लेते हैं, विशेष आनंद लेते हैं, स्पेशली इसको पसंद करते हैं। क्यों क्यों पसंद करते हैं, जरा ये बता दो आप मुझे। दीपांजलि, क्या बात है दीपांजलि, बहुत बढ़िया। चलो इसका सही जवाब रहेगा सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड। कक्षा में अनुशासन को नहीं बढ़ावा देता है क्या, समूह में क्रियाकलाप, ठीक है, चित्रकला में समूह में जो भागीदारी है बच्चे उसे पसंद करते हैं क्योंकि अधिगम को बढ़ावा देता है, अधिगम बेहतर बनाता है, बच्चे नया क्रिएटिव लेकर आते हैं लेकिन अनुशासन में नहीं रहेंगे। अगला, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेना है क्योंकि पेपर आ रहा है तो आप मेरे नाम का कोड महेंद्र जरूर यूज करिएगा। नेक्स्ट, आकलन का एक संकेतक है निम्नलिखित में से कौन सा, एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे प्रयुक्त तरीका है, बताओ आकलन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। कितना सीखा बच्चे ने, कैसे बताएंगे हम। हाँ कुमारी चुन्नी जी, डेली क्लास होती है, क्लास टाइमिंग, आप क्लास में रहिए, पहले क्लास में भी आपको बता दूंगा लेकिन अभी भी बता दूं कि फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास मेरी सुबह 9 बजे होती है और उसके बाद शाम को 4 बजे होती है, और अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरी क्लास हो जाती है 10 बजे मॉर्निंग में। यहाँ पर मैं जीएस करवाता हूँ, यहाँ पर मैं ईवीएस करवाता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में एमसीक्यू करवाता हूँ। अगला पॉइंट डी, हस्तपरक गतिविधि की बात कर रहा है ये, यहाँ पर म्यूचुअली एक्टिवेटेड, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे इसमें हम। अगला, 7वीं कक्षा में निम्नलिखित के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे, तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं, सोचो जरा इनके बारे में कहाँ कहाँ से हमें पता चलेगा, इनके बारे में कहाँ कहाँ से हमें पता चलेगा, सोचो समझो और फिर बताओ कहां कहां से पता चलेगा जल्दी से। चलो आंसर बिल्कुल सही है और वो है ए, ए अच्छा ठीक है, वैकल्पिक स्रोत, परिवार समुदाय मिलेगा, शिक्षक नहीं, पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें मिलेगा, कहानियां मिलेगा, लेकिन शिक्षक वैकल्पिक नहीं है, शिक्षक वैकल्पिक स्रोत में नहीं मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आप सब लोगों को, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल 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 ठीक, वैकल्पिक स्रोत में शिक्षक नहीं आएगा, ठीक रुपेश, हाँ बी भी सही है लेकिन वैकल्पिक अगर नहीं पूछा होता तो मैं बी बोल देता जानवी।
चलो जी, अगला पॉइंट हम देखेंगे इसके बाद, अगला पॉइंट हम देखेंगे। और अगला प्रश्न, रेणु की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाती है, सॉरी दादी, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती है और बताती है, ठीक है। उसे सूखा कुआं दिखाती है और बताती है कि 15 से 20 साल पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अब कुआं सूख गया है। सूखने का कारण क्या है, सूखने का कारण क्या हो सकता है, ये बताती है वो उसे। तो पेड़ और कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया, आसपास के इलाके में बोरिंग खुद गए हैं, प्रत्येक घर में नल लग गया है और कुओं का प्रयोग कोई करता नहीं है। क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई जल्दी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। अंजू क्या हो गया, चलो यहां तक की हम बात करते हैं, तो आंसर इसका है फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो घर में नल लग जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुओं का इस्तेमाल या कुओं का पानी कम हो जाए, ठीक। तो इसलिए ये तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। अगला एक और पॉइंट, आसान प्रश्न। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। बहुत सही जवाब भाई, शानदार। और फटाफट क्या करना है आपको, सेशन को लाइक शेयर भी कर लेना है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि दोनों में सहजीवी संबंध होता है, और जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है, उसकी पीठ पर बैठकर जो कीड़े होते हैं वो कीट खाता है, जो भैंस का खून चूसने या उसको परेशान करने का काम करते हैं, बदले में भैंस उसको सवारी करवाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, वैकल्पिक का मतलब, अंकिता जी वैकल्पिक का मतलब होता है कि वो अल्टरनेटिव है, वो इस्तेमाल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वैकल्पिक का मतलब होता है, ऑप्शनल। तो जो जो अन्य किताबें हैं या जो उससे पहले हमने आस पड़ोस का चीजें देखी थी वो वैकल्पिक थे, उनका इस्तेमाल किए बिना भी आप कर सकते थे, लेकिन शिक्षक वैकल्पिक नहीं है। शिक्षक क्या है, एक रेगुलर और मैंडेटरी है, आप क्लास में जाओगे तो शिक्षक आपको मिलेगा, वहां वैकल्पिक की बात नहीं कर सकते हम, इसलिए मैं उसको बता रहा था अंकिता, ठीक है। 13 का आंसर हो गया है 14। निम्नलिखित में से जड़ का काम कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है जड़ का काम, बताओ जल्दी से। बहुत सही, ए भी बता रहे हैं बी भी बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर है इसका भोजन का भंडारण करना, ये जल का काम नहीं होता, जबकि ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है जैविक खाद। ह्यूमस का मतलब क्या बोला गया है, जैविक खाद, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको ह्यूमस कहा गया है। इस ह्यूमस को उपलब्ध कराना इसका काम है, पौधे को सहारा देना भी इसका काम है, क्योंकि पौधे को ये जमीन से जोड़े रखता है और खनिज चीजों को भी पहुंचाने का काम करता है, ठीक। अगला, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पहले सूर्य की रोशनी में अच्छे से सुखा दिया जाता है, और ऐसा क्यों करते हैं हम, बताइए। प्रिया जी, रूट वाटर स्टोरेज नहीं, ये काम नहीं करेगा ये। नीलू बी नहीं होगा, ह्यूमस मतलब जैविक खाद, खाद कैसे पहुंचेगी यार जड़ों तक। दिव्या हाँ, 15 का सी बोल रहे हैं दिव्या, ठीक है चलो, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कांच के जार और बोतलों को भरने से पहले धूप में क्यों सुखाया जाता है, ताकि उनके अंदर की नमी क्या हो जाए, नमी कम हो जाए, उनके अंदर की नमी खत्म हो जाए और
लंबे समय तक अचार क्या हो, सुरक्षित रह सके, नमी को पूरे तरीके से हटाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, आंसर सी आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम जान चीजें दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर हैं, कर्नाटक की हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम पर हैं, 130 किलो तक का भार उठा सकती थी, 12 वर्ष की थी, तो तभी से उन्होंने व्यापार उठाने नहीं, भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये 12 वर्ष की थी तभी से उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया था, भार उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। ठीक, क्लियर। चलो, तो इसका सही जवाब है फर्स्ट एंड फोर्थ। क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक की नहीं, ये आंध्र प्रदेश की है। ये 130 किलो नहीं, ये लगभग 240 किलो तक का वेट उठा सकती थी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। पहला सही है और चौथा भी सही है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है क्यों यहाँ पर बोल रहा हूं मैं? हाँ, आंध्र प्रदेश की थी दीपांजलि जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। और जो नए दोस्त अभी हमारे जुड़े हैं ना, उस सेशन को फटाफट लाइक करते हुए चलो। अगला प्रश्न बताओ, सीढ़ी नुमा खेत क्या होता है, सॉरी सीढ़ी नुमा कुएं कैसे होते हैं? तो कुएं जब बहुत गहरे बनाए जाते हैं तो उनको इस तरीके से सीढ़ी के तौर पर इस तरीके से बनाया और ऊपर से ढक दिया जाता था, छत हुआ करती थी, यहां से पानी नीचे और पानी ऊपर निकालने के लिए सीढ़ियां बनी हुआ करती, जिसको हम बावड़ी कहते हैं। जैसे आपने पीके मूवी में देखा होगा, महाराजा अग्रसेन की बावड़ी, महाराजा अग्रसेन की बावड़ी। अब बताओ, जल भंडारण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल है। सामुदायिक रूप में इनका प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। उन जगहों पर होता है जहां वर्षा रहित कम बारिश होती है, बिल्कुल होता है। केवल संदूषित जल, केवल केवल नहीं होता, यहाँ पर संदूषित जल भी होता है, मिट्टी मिला हुआ जल भी होता है, साफ पानी भी होता है। तो केवल की वजह से चौथा आंसर गलत हो गया, केवल की वजह से गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हम बात करेंगे। नहीं यार, आर्यन 130 है, चलो मैं उसको चेक कर लूंगा। आर्यन ओके, मैं चेक कर लूंगा कि क्या इसमें दिया गया है, कितने तक का बाहर बोला गया है। ठीक है, अगला पॉइंट बताइए। वर्ली एक पारंपरिक कला है और वर्ली एक जगह भी है, कहाँ है ये? आज आज थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन हमारे टाइम ले जाते हैं ना, कौन से पैड़ा वाले क्वेश्चन, वो आसान से दे दिए मुझे लग रहा है, और इस बार तो दिए ही नहीं। पैड़ा के तो क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं हमें आज। आसान आसान क्वेश्चन से दिए थे तो जल्दी जल्दी की बात हम कर लेते हैं। प्रशांत, चलो कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा। प्रशांत कोई नहीं है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? महाराष्ट्र का द फेमस लोक नृत्य, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बताइए। नहीं भाई, 240 तक का ही है वजन। चलो ठीक है, लावणी, बहुत सही जवाब है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? वो लावणी लोक नृत्य मिल जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट, केरल के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से। लावणी सबने बता दिया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला पॉइंट बताना है यहाँ पर आपको, क्या आंसर हो जाएगा इसका?
सोनकर भाई, गुड मॉर्निंग सोनकर जी, काफी लेट आए। कार्तिक सोनकर जी काफी लेट आए हैं। आए हैं तो सेशन को लाइक करके और रुक करके आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन करके जाइएगा। तमिलनाडु के जो तटवर्ती राज्य हैं, किस तरीके से तमिलनाडु भाई, इस तरीके से तमिलनाडु मिलेगा हमें। ये तमिलनाडु वाला रीजन, इसको टच करता है केरल, इसको टच करता है आंध्र प्रदेश, इसको टच करता है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। आंसर ए बहुत बढ़िया है, आंसर ए बिल्कुल सही मिल रहा है हमें, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जानवरों के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। सोच लो, छोटा सा कीड़ा, इतने बड़े बड़े गुण, सोच लो क्या इसका आंसर होगा। बताइए जल्दी से। रीना जी क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, कोई नहीं फंसा माया जाल में, सबने आंसर सही बता दिया। बाघ यानी टाइगर, और इसके अंधेरे में देखने की क्षमता कितनी होती है, मनुष्यों से 6 गुना होती है। और बाघ की जो मूछे होती हैं वो अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करती हैं, ठीक है, अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करती हैं वो। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, कहां से कहां जा रहा है, अहमदाबाद से केरल जा रहा है, अहमदाबाद यहां कहीं पर पड़ जाता है और केरल यहां पर, हमारा केरल वाला क्षेत्र पड़ता है, तो अहमदाबाद से केरल की यात्रा जाएगा इस तरीके से ट्रेन के द्वारा, तो बहुत सारी सुरंगों को भी पार करेगा। अब ये सुरंगें कहां पर होंगी, ये सुरंगें किस पर्वत पर होंगी, अंकिता जी 21 का ए नहीं, 21 का सी, पश्चिमी घाट, जिसका दूसरा नाम है सहयाद्री, दूसरा नाम क्या है, सहयाद्री भी हमें मिल जाता है, ठीक है, आंसर समझ लेना। विंध्यांचल पर्वत कहाँ है, ये विंध्यांचल पर्वत है, ठीक। अरावली राजस्थान में है, ठीक है, पश्चिमी घाट यहाँ, पूर्वी घाट यहाँ है, तो पश्चिमी घाट को पार करते हुए जाएगा ये, ठीक है। अगला पॉइंट, पृथ्वी गोल है, वास्तव में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब सापेक्ष होता है, तो सिंपल सीधा कहने का मतलब है कि हम भारत के लोग किस देश के सापेक्ष उल्टे लटके हुए आपको दिखाई देते हैं, बताइए आंसर इसका, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई जल्दी से, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चल देना है। भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हैं, तो कभी ग्लोब अगर आपने देखा ना लोगों के साथ साथ, तो आप भारत यहाँ देखते हो जो कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के बिल्कुल अपोजिट क्या मिलता है यहाँ पर, या तो आपको मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया, या आपको मिल जाता है यहाँ पर अर्जेंटीना, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होता तो भी वो सही रहता और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता, इसलिए आंसर क्या मिलेगा, अर्जेंटीना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अगला पॉइंट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है, क्यों आपका तेल बर्बाद करवाया जाता है, बताओ भाई, बताओ आंसर, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, 23rd का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा, क्योंकि अगर पानी के ऊपर तेल डाल दिया जाए तो तेल पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है, और जो मच्छर के लार्वा है ना, मच्छर के जो लार्वा है वो क्या हो जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अब पानी में नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति को ये काट देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा
मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है। कौन सा कीड़ा है जो कॉलोनी में नहीं रहता है, बताओ जल्दी से। क्या बात था, बस तुम बहुत बढ़िया। अहमदाबाद से गोवा जाते हुए सुरंग से निकल चुके हैं, शानदार भाई। पतंजलि घी भी बिल्कुल देवेंद्र, पतंजलि घी भी डाल दो, ठीक है। इम्प्योरिटी मिला दो पानी में बशर्ते, ठीक, पतंजलि घी भी डाल दो, वो भी रोक देगा। चलो तो वो हो जाएगा स्पाइडरमैन, अकेला ही रहता है स्पाइडर, स्पाइडर का जाला, और एक ही मकड़ी अपने एक जाले में हमें दिखाई देती है। क्लियर, एक ही मकड़ी अपने एक जाले में हमें दिखाई देती है। फटाफट देखो, मैंने कहा ना थोड़ा फटाफट कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे, पैडागोजी के बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। आज 2016 का पेपर आसान बनाया गया था, 2015 का टफ बनाया गया था। अब देखते हैं अगले बार 2017 का पेपर कैसा होता है, ठीक। ऐसा तो नहीं कि टफ हार्ड यही चल रहा हो। और सेशन को नए दोस्त हमारे ना फटाफट लाइक और शेयर करते हुए चलना है, 100 पार करना है हमें सेशन। चलो मैं मिस्टर इंडिया बन जाता हूँ इसी खुशी में, बन गया मिस्टर इंडिया। बताइए भाई आंसर बताइए। नहीं, देवेंद्र दुनिया जीएस की केवल मंडे से फ्राइडे ही घूमते हैं हम, ठीक है। देवेंद्र मंडे से फ्राइडे ही दुनिया जीएस की घूम पाते हैं, बाकी दिन दुनिया घूमने का मौका नहीं मिलता हमें। आंसर बहुत ही सिंपल सीधा सादा क्वेश्चन है, आंसर है ए, आंसर है ए, ठीक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गदाधर जी, शाबाश। कुडुकू कहाँ की भाषा है, कुडुकू किस कहाँ के लोगों की भाषा होती है। कार्तिक सुनकर, रुपेश, मंतोष, सिनी, पिंकी हो जा, गदाधर भाई बढ़िया, 25 का आंसर दे दिया है, 26 का आंसर बताना आप। मंतोष जी 25 के बाद 26 का चलते हैं, बहुत बढ़िया। अंजलि ने 26 का आंसर दे रहे हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। कुडुकू है झारखंड की, उड़ीसा की, बिहार के आसपास की जो भाषा है वो कुडुकू है, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार के आसपास की जो भाषा है वो कुडुकू भाषा कही जाती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, हम ही तैयार करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, दुनिया जीएस की में सब तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण विषय वस्तु है, ये पूछ रहा है, कौन सी विषय वस्तु है। भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा, सोच लो। भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा। बताइए क्या आंसर होगा। जानवी जी, शाबाश जानवी जी, शाबाश सबसे पहले जोर बोलने के लिए। चलो आंसर है भोजन, बिना भोजन भजन ना होए गोपाला, यही है भोजन। सौरमंडल कहीं नहीं लिखा है, हमने क्या बताया, 6 थीम बताई थी, परिवार और मित्र रिश्तेदार वाला, उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बोला था आवास, भोजन, जल, यात्रा, वस्तुएं जो हम करते हैं और बनाते हैं। अगला पॉइंट, फिर से गायब होने का समय, चलो जी शुरू हो जाइए। तृप्ति, तृप्ति क्या बताना था आपको। ठीक, 27 का आंसर क्या दे रहे हैं, ए 27 का आंसर बताने की बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेकिन आंसर देखने से पहले मैं वापस आ जाता हूं, ये आंसर देख लेते हैं हम। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। सबसे निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। थीम क्यों होनी चाहिए पेपर में, क्योंकि थीम अगर होगी
तो हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सिलेबस बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, ठीक। अगला पॉइंट, पर्यावरण कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियों एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानियां सुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारक है, कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारक हमें मिल जाता है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे कम उपयुक्त बताना है यहाँ पर, सबसे कम कौन सा बोला गया है, डी। भैया व्यक्तियों के अनुभव कहानी में मिलेंगे, अनेक विषय मिलेंगे, प्रबंधन में भी सहायता होगी, मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे चुपचाप बैठ के आपकी कहानियां सुनेंगे। लेकिन कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ ये क्या करती हैं, ये बहुत कम प्रस्तुत करती हैं, बहुत कम प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। अब आप बच्चों को बोलो ना, बच्चों आज हम कहानी सुनाएंगे, तो क्या बोलोगे आप, चुपचाप बच्चे आपकी बात सुन के कहानियां सुनने की बात कर लेंगे, ठीक। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाएं और व्याख्यान को दूर रखना है, रटाकर सीखने को हतोत्साहित करना, बच्चों के प्रश्न करने और सीखने का मौका देना, बच्चों को केवल लिखित जानकारी देना, ठीक है। तो रटाकर सीखना तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, केवल लिखित जानकारी भी कैंसिल हो गई है, परिभाषाएं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, तो भैया मुझे लगता है ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा बचेगा हमारा, आंसर बचेगा केवल तीसरा, आंसर क्या बचेगा, केवल तीसरा आंसर, ठीक। ये आ गया सी ऑप्शन, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो ये 2016 के पेपर मैंने सॉल्व किए थे, 2016 का ये पेपर हमने सॉल्व किया था, ठीक है, सीटेट 2016। और आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जरूर अपने सर का कोड महेंद्र यूज करना मत भूलना 10% डिस्काउंट के लिए। ये रहा टाइम टेबल, जिन हमारे दोस्तों को टाइम टेबल चाहिए था, टाइम टेबल ये रहा, मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल है, सैटरडे संडे को स्पेशल क्लास लगती है, तो टाइमिंग आपको बता दिया जाता है। कहाँ बताएंगे टाइमिंग, तो आपको टाइमिंग बताया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है, तो उसे जरूर से फॉलो करते हुए चलिए, जरूर से फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। अब क्लास कल सुबह 9 बजे मिले होगी हमारी, ठीक। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, क्लास कैसी लगी भाई लोगों, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास कमेंट करके मुझे बताइए सर क्लास कैसी लगी, और 100 लाइक का टारगेट पूरा होना चाहिए। सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, चलो।